अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फॉर यू में बहुत बहुत वेलकम है। और आज मैं आपको बताऊंगा वंडर शेयर फिल्मोरा की स्लाइड शो पिक्स की स्लाइड शो कैसे की जाती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने पिक्स कुछ सिलेक्ट करके रखी हुई हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे अगर एक साथ इकट्ठे इसको करने हैं तो सिंपली आप ये सिलेक्ट करके तो ये ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए तो नीचे आ जाएंगी। अगर आपने एक एक करके करनी है तो सिंपली ड्रैग करके भी आप नीचे ला सकते हैं। ड्रैग करके नहीं तो यहाँ पे जमा के आइकन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। मैं सिंपली इकट्ठी ला रहा हूँ नीचे। ओके, तो ये हमारी पिक्स नीचे आ चुकी हैं। तो ये एक मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई पिक्स फर्स्ट पर लानी हो, ये जैसे मैंने ये फर्स्ट पर पिक लानी है तो ये सिंपली आप ड्रैग करके इसको फर्स्ट पर लाइए। और ये अगर आपने एंड पर लानी है तो यहाँ पर एंड पर ला सकते हैं आप। ओके, काफ़ी सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई अपनी अपनी स्लाइड शो के नीचे कोई म्यूज़िक लगाना है तो सिंपली आप म्यूज़िक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको माय म्यूज़िक, अगर आपके कंप्यूटर में कोई म्यूज़िक है आपके आपने चूज़ करके रखा हुआ है सिंपली आप सेट कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ से ले रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ से ये म्यूज़िक ले रहा हूँ। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा म्यूज़िक है तो मैं सिंपली इसे थोड़ा सा कट कर रहा हूँ और ये मैं इसके आगे से इसको डिलीट कर रहा हूँ और सिंपली मैं इसको पिक्स के साइज़ का कर रहा हूँ। ओके, अब आपने कोई अपनी इमेज में कोई अपनी वीडियो में टेक्स्ट देना है तो सिंपली आप टेक्स्ट भी दे सकते हैं। मैं सिंपली ये जमा के आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ड्रैग करके भी ला सकते हैं। इस पर आपने लेफ़्ट डबल क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक डबल क्लिक। ओके, तो यहाँ पे आपको इसकी सेटिंग मिल जाएंगी और यहाँ पे आप अपना जो भी टेक्स्ट देना चाहें वो दे सकते हैं। ओके, मैं सिंपली ये दे रहा हूँ, आप कोई सा भी दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको इसका साइज़ आपको जितना रखना है उतना रख सकते हैं। अगर आपको ये ऐसे के रखने हैं, काफ़ी सारे इफेक्ट हैं, अगर आपको सीधे थोड़े से टेढ़े रखने हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। ओके, तो सिंपली आप यहाँ से कोई भी अपना, सॉरी मैं ये थोड़ा सा साइज़ मैंने बड़ा कर दिया। ओके, तो ये यहाँ से आप इसको कलर बता सकते हैं, हमने कौन सा कलर रखना है। येलो कलर है, ये जामुन कलर, ये येलो, ये डार्क येलो, काफ़ी सारे कलर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कोई सा भी आप रख सकते हैं। मैं येलो रख रहा हूँ। ओके, तो एडवांस पे भी वही सेटिंग आती है। एडवांस पे आप क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर्टी मिल जाती है, यहाँ आपने कहाँ तक रखना है इसको। और यहाँ पे आपने इसका शेडो वगैरह देनी है वो दे सकते हैं। वो मैंने नीचे फुल एडिटिंग की मैंने वीडियो दी गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जाके देख लीजिएगा। ओके कीजिए। तो यहाँ पे ट्रांजिशन इस पर आइए और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑलरेडी इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप कोई सा भी, मैं मिसाल के तौर पे इसे ड्रैग करके आप नीचे भी ला सकते हैं यहाँ दरमियान में। अगर आपने दरमियान में नहीं लगाना तो यहाँ पे जमा का ऐड प्रोजेक्ट वहाँ पे क्लिक कीजिए तो और ये खुद ब खुद लग जाएगा। ओके, आप जो सा भी सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसा कि मैं ये कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पर ये लगा रहा हूँ और ये आप देखिएगा। तो आपको ऐसे बिल्कुल करना है और यहाँ पे फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स आप कोई सा भी ये कलर वगैरह पहले आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं इसका किस तरह का कलर है। ओके, तो ये देखिए वहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं, आप कोई सा भी कलर रख सकते हैं। ओके, आप सिंपली कोई सा भी, मैं मिसाल के तौर पे ये ब्लैक एंड वाइट का कलर रख रहा हूँ। ओके, ये इमेज पर मैंने ये वाला कलर रख दिया और ये इमेज पर मैंने ये वाला कलर रख दिया। ओके, और ये वाली इमेज पे मैंने ये वाला कलर रख दिया और ये वाली इमेज पे मैंने ये कुछ बुलबुले से हैं ये मैंने रख दिया और ये वाली इमेज पे मैंने ये काफ़ी सारी इमेज एक साथ ही आएंगी ये वाला इफेक्ट लगा दिया, ये वाली इमेज पे मैंने ये वाला इफेक्ट लगा दिया। ओके, तो अब देखिएगा। तो
अब आपने ओवरलेस पे आना है। ओवरलेस पे भी वही कलर वगैरह, आप कोई सा भी ओवरलेस देना चाहें, ये देखें ये कलर हैं और ये कलर हैं, और यहाँ पे आप ओवरले पे यहाँ पे जो सा आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। वैसे ही बिल्कुल जैसे मैंने फिल्टर्स रखे थे, आप एक एक पिक्स पे रखना चाहें, एक एक पिक्स पे रखना चाहते हैं। अगर आप एक ही इफेक्ट पर रखना चाहते हैं तो सिंपली इसको ड्रैग करके आप अपनी फुल वीडियो पे लगा सकते हैं। ओके, मैंने ये लगा दिया है। ओके, तो यहाँ पे एलिमेंट्स, इस पर आइए और इस पर आपके पास जो भी इफेक्ट पड़े हों, सिंपली ये वाला इफेक्ट है मेरे पास, पहले आप इसको चेक कर लीजिएगा। ओके, ये कुछ इस तरह का इफेक्ट है, मैं इसे लगाना चाह रहा हूँ, और सिंपली आपने यहाँ पे रखना है इसको ड्रैग करके, और इसको आपने अगर बड़ा करना है, इसे बड़ा नहीं आप कर सकते, ये इतना ही रहता है। ओके, तो अगर आपने और कोई भी इफेक्ट यहाँ पे लगाना हो तो सिंपली ये लगा सकते हैं। ओके, ये कुछ बिजली के इफेक्ट हैं, ये आप लगा सकते हैं। ओके, ये देखिए, आप जो उनसे मर्जी यहाँ पे सिलेक्ट करके, ये कुछ धमाके वगैरह हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। ये देखें, ये देखिए, अगर आपने इसको थोड़ा सा साइज इसका छोटा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए, ये देखें, ओके। तो यहाँ पे ये स्प्लिट स्क्रीन है, अगर आपने दो ऊपर वीडियो चलानी हो, नीचे कोई कुछ और लगाना हो, वो कर सकते हैं। वो मैंने नीचे वाली वीडियो में बताया हुआ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिए जाके। ओके, तो ये एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको, अगर आपको मोबाइल की डिवाइस में चाहिए, ये यूट्यूब पर सीधा अपलोड करना है, या फेसबुक पर अपलोड करना है, या वीमियो पर अपलोड करना है, या फिर आपने डीवीडी के साइज़ का इसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये यहाँ पर मैं सिंपली ये फॉर्मेट ये कंप्यूटर के साइज़ का करूँगा, MP4। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। MP3, ये 3GB, TS, MKV, AVI, MP4, WMV, ये आपके सेटिंग है। ये अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं बेस्ट कर सकते हैं, आप बेटर चाहते हैं बेटर कर सकते हैं, गुड चाहते हैं गुड कर सकते हैं। ओके, बेटर पे आएँ, और यहाँ पर आपको यहाँ पर काफ़ी सारे रिज़ल्ट मिल जाएंगे, आप कोई सा भी 4K या 1080 या HD आप कोई भी रख सकते हैं, और यहाँ पे फ्रेम रेट आप 30 रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं। ओके, तो ये बिट रेट आप इनको मैक्सिमम बता सकते हैं कि आपने कितना रखना है, और ये आप नीचे बिट रेट पे आ जाएँ, ऑडियो बिट रेट, इसका आप अपना ऑडियो का रिजल्ट बता सकते हैं कि आपने कितना रखना है। ओके, तो मैं इसे ओके कर रहा हूँ, और यहाँ पे नेम अपना, इस वीडियो का आपने टाइटल देना है वो दीजिए इसका, मैं सिंपली जिस नाम से आपने वीडियो रखनी है मैं सिंपली वीडियो ही रख रहा हूँ। ओके, तो ये आपने फोल्डर, इनको बताना है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना फोल्डर चूज़ करना होगा कि जहाँ आपने इसको पेस्ट करना है। ओके, तो ये अगर आपने MP4 में करनी है तो MP4 पे ये होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दीजिएगा, और अगर आपको साउंड में चाहिए साउंड में मिल जाए, अगर आपको ये कम्प्लीट होते साथ शट डाउन कंप्यूटर चाहिए शट डाउन हो जाएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो डू नथिंग कर दीजिएगा। ओके ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।